चलो ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने देखा था इक्विवेलेंट पॉइंट का कॉन्सेप्ट, और इक्विवेलेंट पॉइंट पे हमने क्वेश्चंस किया था। और आज के क्लास में हम लोग करेंगे सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी जो वर्ड है बहुत खतरनाक है। इसमें जितना बुक्स उठाओगे उतना थ्योरी तुम्हें मिलेगा। एस एलओआरएम उठा लो तो वहाँ पे तो थोड़ी थ्योरी कम है थोड़ा सा। सेंगेज उठा लो, बालाजी पब्लिकेशन का उठा लो, किसी भी पब्लिकेशन को उठाओ, जितना क्वेश्चन जितना बुक उठाओगे उतना थ्योरी। इसमें होता है फोल्डिंग सिमेट्री, इसमें होता है परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, इसमें होता है पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, इसमें होता है स्क्यू सिमेट्री, इसमें होता है रिवर्स सिमेट्री, इसमें होता है सेफ्टेड सिमेट्री। तो सिमेट्री का नाम नहीं, मतलब बहुत नाम है, लेकिन कभी भी अगर आप मल्टी कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो कभी भी सिमेट्रिसिटी आपको नहीं आएगा और आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेगा। बेसिकली आप दो सिमेट्रिसिटी को यूज करके चलिएगा, एक पैरेलल एक्सिस सिमेट्रिसिटी और एक परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्रिसिटी। इन्हीं दो सिमेट्रिसिटी को यूज करके चलिएगा, और इसी में दो चार कॉन्सेप्ट आता है, फॉल्स जंक्शन कॉन्सेप्ट, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन इन्हीं दो को अगर हम फॉलो करते हैं तो बिल्कुल हर एक तरह का क्वेश्चन हमसे सॉल्व होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बस अगर अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट दो ही लगाना, फायदे में रहोगे। ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखोगे, ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाओगे और आएगा जाएगा कुछ नहीं, बाद में कुछ भी नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन के सारे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस सेमेट्री और क्या होता है पैरेलल एक्सिस सेमेट्री। तो जनरली हम लोग सेमेट्री सिटी में दो तरह का हम लोग सेमेट्री यूज करेंगे, एक परपेंडिकुलर एक्सिस सेमेट्री और एक पैरेलल एक्सिस सेमेट्री। तो पहले हम लोग पैरेलल एक्सिस सेमेट्री देखेंगे, फिर हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस सेमेट्री देखेंगे, फिर इसके कितने पॉइंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो देखिए, अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दिया रहे, रेगुलर हेक्सागन टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है, इसी क्वेश्चन को हम लोग दो सिमेट्रिसिटी के बेसिस पे बना सकते हैं। एक पैरेलल एक्सिस सिमेट्रिसिटी के थ्रू भी देखेंगे और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्रिसिटी के थ्रू भी देखेंगे। दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम ही आएगा। सबसे पहले एक इस तरह का स्ट्रक्चर है, पॉइंट बी दिया हुआ है, पॉइंट ए है दिया हुआ है, और ए और बी दो पॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, और इसके अक्रॉस आपको निकालना है कि बताओ सबका जो जितने भी रेसिस्टर दिखाई दे रहे हैं सबका रेसिस्टेंस आर है ना, और आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो अगर आप देखोगे तो पाओगे कि सर अगर दो पॉइंट जिनके क्रॉस निकालना है, ए और बी के क्रॉस, अगर एक सिंपल डॉटेड लाइन से ड्रॉ करें तो ये ब्रांच इसके पैरेलल ही है, या फिर एक ब्रांच को दूसरे पे फोल्ड करेंगे तो सेम हो जाएगा, दोनों एक दूसरे क्या हो जाएगा, सेम। तो इस तरह के हम लोग कहते हैं कि पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, मतलब एक्सिस के पैरेलल, एक्सिस के क्या है, पैरेलल, एक्सिस हो गया, इसके पैरेलल जितने भी ब्रांचेज हैं सब एक दूसरे के अगर क्या हो, इक्विवेलेंट हो, तो हम लोग बोलते हैं इसको पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। पैरेलल एक्सिस सिमेट्री कहता है कि सिमेट्रिक ब्रांचेज में सिमेट्रिक सेम करंट जाएगा। मींस व्हाट सर, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं तो ध्यान से देखो, ये वाला रेसिस्टेंस इसके सिमेट्रिक है, ये वाला रेसिस्टेंस इसके सिमेट्रिक है, फिर ए वाला रेसिस्टेंस इसके सिमेट्रिक है, ए वाला रेसिस्टेंस इसके सिमेट्रिक है, ए वाला रेसिस्टेंस इसके सिमेट्रिक है, तो आपको दिख रहा है। अच्छा, कैसे पता चलेगा सर कौन किसके सिमेट्रिक है, अगर हमको आइडिया नहीं है तो बिल्कुल हम लोग इस एक्सिस के अबाउट फोल्ड करके देखेंगे। जो रेसिस्टर जिसके पैरेलल आ जाए, जो रेसिस्टर जिस पे चढ़ जाए वही सिमेट्रिक हो, मतलब इधर से देखो और इधर से देखो, फोल्ड मत करना, इधर से देखो और इधर से देखो, दोनों तरफ से देखने पर अगर तुम्हें लगे कि ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस दोनों सेम काम कर रहा है तो ये सिमेट्रिक होगा, ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस दोनों सेम काम कर रहा है सिमेट्रिक होगा, फोल्ड वोल्ड मत करना। फोल्ड भी हम लोग करते हैं, फोल्ड करने के लिए बस इक्विवेलेंट निकालने के लिए फोल्ड करते हैं। अब पैरेलल एक्सिस में भी दो तरीका है, एक फॉल्स जंक्शन मान लो और एक फोल्ड कर दो। फोल्ड कर दोगे तो फोल्डिंग सिमेट्री के नाम से आ जाता है, और फोल्ड नहीं करोगे तो पैरेलल एक्सिस सिंपल फॉल्स जंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को डॉटेड लाइन से जोड़ो और देखो उस पॉइंट उस एक्सिस के अबाउट अगर नीचे और ऊपर दोनों सेम है तो हम लोग कहेंगे इसमें कौन सा एक्सिस थ्योरी लगे, कौन सा थ्योरी लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरी। पैरेलल एक्सिस थ्योरी को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है कि दो तरीका होते हैं। पहला कि आप फॉल्स जंक्शन मानो। कैसे मानेंगे फॉल्स जंक्शन, होता है क्या सर फॉल्स जंक्शन, तो
ए साइड से भी देखो और बी साइड से भी देखो, दो ऐसा ब्रांच में होगा, दो ऐसा रेजिस्टर का ब्रांच होगा जो एक दूसरे के सेम होंगे। जैसे अगर यहाँ मान लेते हैं 10 एम्पीयर, सपोज समझाने के लिए बोल रहे हैं 10 एम्पीयर का करंट जा रहा है, तो 10 एम्पीयर यहाँ तक यहाँ आएगा, तो इधर मान लेते हैं 5 बढ़ गया, इधर 5, अगर इसमें 5 एम्पीयर का करंट आ रहा है तो इसमें भी कितना एम्पीयर का जाएगा, 5, और इधर से 5 और इधर से 5, तो फिर से इसमें कितना आ गया, 10, मतलब इसमें 10 एम्पीयर का करंट गया था और इसमें कितने एम्पीयर का, 10। तो ये वाला रेसिस्टर इसके क्या है, सिमेट्रिक बेसिस में, सेम सिमेट्रिक ब्रांचेज में सेम करंट होता है। तो देखो इसमें भी 10 एम्पियर करंट है, इसमें भी कितना एम्पियर है, 10। फिर अगर ये वाला ब्रांच को देखें तो इसके सिमेट्रिक, ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक है और ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक है। तो पहला मेथड, मेथड वन में बता रहा हूँ फॉल्स जंक्शन, इसमें ही सबसे पहले मैं देख क्या रहा हूँ, पैरेलल पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, और पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में हमने क्या सॉल्व किया है, मेथड वन में फॉल्स जंक्शन बनाना, कौन सा जंक्शन, फॉल्स जंक्शन। अच्छा एक चीज बताओ, इधर 5 एम्पियर का करंट आ रहा है और इसमें 5 एम्पियर चला गया, ठीक, नीचे से भी मान लेते हैं हमारा कि 20 एम्पियर का करंट, सपोज करते हैं कि 5-10 एम्पियर का करंट इसमें गया, इसमें भी 5 एम्पियर और इसमें भी क्या चला गया, 5 एम्पियर। अब तुम बताओ इधर से 5 एम्पियर आया इधर चला गया, इधर से 5 एम्पियर आया इधर चला गया, तो जंक्शन रहे और ना रहे क्या फर्क पड़ता है, सर ये जंक्शन रहे चाहे ना रहे, इधर अगर 2 एम्पियर आ रहा है इसमें भी चला जा रहा है 2 एम्पियर, क्योंकि सिमेट्रिक ब्रांचेज में इक्वल करंट होते हैं, तो इसमें 2 एम्पियर तो इसमें भी 2 एम्पियर, इसमें 5 तो इसमें 5, इसमें 10 तो इसमें भी 10, इसमें फिर ये किसी के सिमेट्री नहीं है, इसमें भी अगर 10 आ रहा है तो इसमें भी 10, इसमें 5 तो इसमें भी 5, तो क्या फर्क पड़ता है सर, ये जंक्शन रहे तब और ना रहे तब, क्योंकि इक्वल सिमेट्रिक ब्रांचेज में इक्वल करंट चला जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो जंक्शन रहे तो ना रहे तो इसको बोलते हैं फॉल्स जंक्शन कॉन्सेप्ट। हमें लगता है कि जंक्शन है, एक्चुअली जंक्शन होता नहीं है। कैसे पहचानोगे, तो सिमेट्रिक ब्रांचेज होंगे जिसमें इक्वल करंट फ्लो कर रहा है, वहीं उस जंक्शन पे कनेक्ट हो रहा होगा, तो जंक्शन को हम लोग तोड़ देंगे और खुद से उसको फॉल्स जंक्शन मान लेंगे, खुद से उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे जंक्शन को। तो अब देखो, और अब हमें नहीं लग रहा है कि तुमको नहीं आएगा, ये दोनों किस में हो जाएगा सीरीज, फिर इसके पैरेलल, फिर ये तीनों आपस में सीरीज, फिर ये दोनों सीरीज, फिर इसके पैरेलल और तीनों आपस में सीरीज, बिल्कुल इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। फटाफट अगर कैलकुलेट करना हो तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अपने नोट्स में बनाओगे कैसे, ये एचसीबी का क्वेश्चन है, एचसीबी का क्वेश्चन है भी, और एस एल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, एम करीम में भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लगभग हर बुक में क्वेश्चन मिलेगा आपको, है ना। अब देख लो क्वेश्चन, तो वहां से लिख लोगे, बस ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, फॉल्स जंक्शन। फॉल्स जंक्शन डिटरमाइन बाय कनेक्टिंग कनेक्शन पॉइंट ऑफ सिमेट्रिक ब्रांचेज, सिमेट्रिक ब्रांचेज है इसके, इसका यहाँ जो जंक्शन फॉर्म हो रहा है, ये जंक्शन क्या करेगा हमारा, फॉल्स जंक्शन, फॉल्स जंक्शन को रिमूव कर देना है। अब देख लेना, अब इसको अगर तोड़ना है तो बोलो ये 5-5 ये सारा चीज़ हटा दे रहा हूँ, सब समझाने के लिए मैंने बताया था, फिगर को थोड़ा सा साफ सुथरा कर लिया जाए। अब देखो आर आर टू आर टू आर और आर टू आर और आर अगर हम जोड़ेंगे टू आर इंटू आर अपॉन थ्री आर तो कितना हो जाएगा 2R/3। तो मैं कह सकता हूँ कि ऊपर हमारा आंसर सॉल्व होगा, ऊपर देखो ध्यान से, इन तीनों के बदले मैं एक लिख रहा हूँ, क्या ये आर और ये 2R/3 और ये आर जोड़ दिया जाए। चलो एक बार तीनों को अलग अलग कर देते हैं, नहीं तो फिर कन्फ्यूज हो जाएगा। तो आर है, 2R/3 है और ये आर है, बीच में एक आर है और ये भी आर है, बीच वाला है आर और आर, और जो ऊपर कहानी हुआ है वही कहानी नीचे भी हुआ है, तो नीचे भी वही हो जाएगा आर 2R/3 और ये आर, सबको जोड़ के बताओ आर 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 2R/3 और ये आर, ये पॉइंट रहा, ये आपका ये रहा, ये रहा बी। अगर आप जोड़ोगे तो पाओगे ये आर आर 2R और 2R में 2R/3 जोड़ोगे तो 2 6 8R/3,
एट आर बाई थ्री ऊपर भी होगा, एट आर बाई थ्री नीचे भी होगा, तो इन दोनों पैरेलल में है, इक्वल है पैरेलल में, जो टू बाई एन थे, एट आर बाई थ्री को अगर हम इक्विवेलेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एट आर बाई थ्री को टू से डिवाइड करोगे तो फोर आर बाई थ्री, और फोर आर बाई थ्री और टू आर कॉमन फिर से ऊपर, इन दोनों के बदले, इन दोनों के बदले कैसे दिया गया समझ में आ रहा है ना, ये दोनों क्या है, ये तीनों सीरीज में है जिसका वैल्यू आ रहा है एट आर बाई थ्री, ठीक, और नीचे भी आएगा एट आर बाई थ्री, दोनों को फिर से जोड़ोगे आर वन इंटू आर टू या फिर करोगे आर बाई एन, तो हमारा कितना आएगा फोर आर बाई थ्री, तो ऊपर आ गया फोर आर बाई थ्री और नीचे हमारा टू आर, कितना टू आर, अब इसको आर वन इंटू आर टू अपन आर वन प्लस आर टू कर लो, तो फोर आर बाई थ्री इंटू टू आर और प्लस फोर आर बाई करोगे तो तुम्हारा आएगा फोर, कितना आ जाएगा फोर आर इंटू आर और फोर थ्री सिक्स टेन आर बाई थ्री, आर बाई थ्री कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, आप कटना चाहते हो तो काट दो, कितना हो जाएगा फोर आर बाई फाइव, ये मेथड वन हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में भी मैंने बोला ना कितने तरह से, दो तरीका से, मेथड वन आपको बताया कौन सा, फॉल्स जंक्शन, फिर हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री भी देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे फोल्डिंग सिमेट्री, वीडियो पॉज करके फटाक से स्क्रीन शॉट ले लो, क्वेश्चन बनाओ नोटबुक में, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को ही हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे फोल्डिंग से, इसको कभी कभी फोल्डिंग सिमेट्री भी बोलते हैं, देखो अगर हम फोल्ड कर देते हैं, ध्यान से देखो ए और बी आपको दिख रहा होगा, इस एक्सिस के लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो जितना नीचे उतना ही ऊपर, सेम टू सेम हूबहू है, तो अगर मैं फोल्ड करूँ नीचे को पकड़ के ऊपर वाले के साथ फोल्ड कर दूँ, तो आफ्टर फोल्डिंग दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ कि हम लोग इसी पैरेलल एक्सिस थ्योरम को, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री को या थ्योरम को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं फोल्ड करके, तो एक्सिस के लोग अगर मैं फोल्ड कर दे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा गायब और सिर्फ ऊपर वाला ही हमारा ब्रांच बचेगा, गायब हो गया, लेकिन ऊपर वाला सिर्फ ब्रांच बचेगा, तो देखो अब इसको फोल्ड करेंगे ए रेसिस्टेंस इस पे चढ़ जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट इस पर चढ़ जाएगा और ए रेसिस्टेंस इस पे, मतलब ये वाला रेसिस्टेंस इसके क्या होगा पैरेलल, क्या होगा पैरेलल, तो पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है आर बाई एन इक्वल के लिए, तो क्या हो जाएगा आर बाई टू, ठीक, फिर जैसे हम लोग फोल्ड करेंगे ये वाला रेसिस्टेंस इसके पैरेलल आ जाएगा, ऊपर वाला भी क्या होगा आर बाई टू, फिर जैसे पैरेलल करेंगे ये वाला रेसिस्टेंस इसके पैरेलल आ जाएगा, तो शिफ्ट करने के बाद क्या हो जाएगा फिर आर बाई टू, अब ध्यान से देखो ये वाला रेसिस्टेंस भी इसके पैरेलल आ जाएगा जैसे हम लोग रखेंगे, तो जैसे इसके पैरेलल आएगा तो ये वाला भी क्या हो जाएगा आर बाई टू और ये वाला भी क्या होगा आर बाई टू, हो गया, फिर से यहाँ पे आपको सिमेट्रिसिटी आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, अब हमें फॉल्स जंक्शन का कॉन्सेप्ट फिर से डेवलप करना पड़ेगा, कि यहाँ पर जो जंक्शन है सर ए से बी तक, देखिए ए इसके इक्विवेलेंट लग रहा है, सर ए इसके इक्विवेलेंट लग रहा है, तो सिमेट्रिक ब्रांचेज में सेम करंट फ्लो करता है, तो बीच में और ये सर इसके सिमेट्रिक लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये किसी पे नहीं चढ़ा, ध्यान से देखिए आर है और ए भी आर है, तो किसी के ऊपर नहीं है पैरेलल गया है, तो आर आर ही रह जाएगा, तो सर ये वाला ब्रांच इसके सिमेट्रिक लग रहा है, ये वाला ब्रांच इसके सिमेट्रिक लग रहा है, ये वाला ब्रांच इसके सिमेट्रिक लग रहा है, मेन रीजन क्या है रेसिस्टेंस इक्वल है और ब्रांचेस का पॉइंट इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिक ब्रांचेज में इक्वल करंट जाएगा, तो अगर 10 एम्पियर इधर से आ रहा है तो बीच में इधर भी कितना जाएगा 10 एम्पियर ही जाएगा, तो मतलब ये दोनों ब्रांच क्या होंगे, ये जंक्शन क्या होगा फॉल्स जंक्शन, यहाँ जंक्शन जो बना है कौन सा जंक्शन है फॉल्स जंक्शन, फिर से फोल्डिंग के बाद भी आपको फॉल्स जंक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा, तो फिर हम लोग आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर से हमारा वही कहानी होगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो कहानी वही आएगा आर आर, फिर से कैलकुलेट कीजिएगा सीरीज आर बाई टू इसमें सीरीज में, तो आर हो जाएगा आर और आर बाई टू को आर बाई थ्री हो जाएगा आर बाई थ्री, अब ध्यान से देखो फिर से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये हमारा आर बाई टू, ये तुम्हारा ये आर आर इंटू आर बाई टू प्लस आर बाई टू, और हम कैलकुलेट करते टू थ्री एक गया गया टू थ्री एक आर से आर कैंसिल, कितना हो जाएगा आर बाई थ्री, तो ये तुम्हारा आर बाई थ्री और ये फिर से आर बाई टू और नीचे पैरेलल में क्या हो जाएगा, दिख रहा है इधर क्या, इधर नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, इधर देखो
ये दोनों सीरीज में है तो आर, और आर और आर बाई टू को अगर हम लोग पैरल में करेंगे तो आएगा हमारा इधर से गया आर बाई टू, इधर बीच में इन दोनों को करेंगे तो आर बाई थ्री, और इधर करेंगे तो आर बाई टू, और नीचे वाला जो ब्रांच है आर आर मिलकर कितना हो गया 2R। ये पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, कैलकुलेट करो फिर से आर 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 प्लस ये आर बाई टू क्या हो जाएगा आर, और आर प्लस आर बाई थ्री करेंगे तो कितना हो जाएगा 4R बाई थ्री, तो 4R बाई थ्री, और इधर किसके पैरेलल में 2R, तो R1 वन इन टू आर टू, तो 2R अपॉन फिर जोड़ेंगे 4R बाई थ्री प्लस करेंगे तो 6, 10R बाई थ्री आएगा, 10R बाई थ्री। तो किसी भी तरीके से बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा आंसर सेम आना चाहिए, 8R बाई टेन ही आंसर आएगा या 4R बाई फाइव ही आंसर आएगा। मत कर देना कि 8R बाई टेन 4R बाई फाइव नहीं होता है, 4 बाई फाइव 4R बाई फाइव, तो आंसर सेम ही आना है किसी भी मेथड से यूज करो, है ना। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी बनाएंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से भी बनाएंगे, कौन सा परपेंडिकुलर। तो फटाक से स्क्रीन शॉट लो, वीडियो पॉज करो और स्क्रीन शॉट लो। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो हो गया, अब हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कुछ कॉन्सेप्ट बताता है, कहता है कि अगर हमें दो पॉइंट मिल रहा है, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, लिख दे रहा हूँ, दो पॉइंट मिल रहा है, और इन दोनों लाइन को, पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को एक्सिस बोलते हैं, और इसके परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ करते हैं लाइन, तो जैसे ही इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो वो जो लाइन होता है इक्वल पोटेंशियल लाइन होता है, या इक्विवेलेंट पोटेंशियल लाइन, या इसको हम लोग सिंपल वायर भी कह सकते हैं, या इक्वल पॉइंट वायर भी कह सकते हैं, मतलब सब पर पॉइंट क्या हो जाएगा सेम। तो बस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यही कहता है कि अगर हम लोग एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करें और दोनों को फोल्ड करने पर एक दूसरे के सेम आ जाए, सिमेट्रिक आ जाए, तब उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते, क्वेश्चन को बना सकते हैं, बस हमें दो हिस्सों में बनाना होता है, एक हिस्सा को बनाते हैं, एक हिस्सा को मिटाते हैं, और एक हिस्सा को बना के उसका ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि एक हिस्सा के बाद दूसरा, ये दोनों सीरीज में आएगा, आधा इधर वाला और आधा इधर वाला, दोनों एक दूसरे के सीरीज में, तो एक निकालते हैं और इसका ट्वाइस कर दीजिए, सिमेट्रिक, तो एक निकाले इसका क्या कर दीजिए ट्वाइस, फिर आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आपको नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं। तो कुल मिला के आपको इसको बोलते हैं, बस कॉन्सेप्ट यही सीखना है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे पॉइंट्स क्या होंगे इक्विवेलेंट पॉइंट्स। और सर कभी कभी भूल चुक बस अगर हमारा रेसिस्टर आ जाए तब उड़ा देना है, क्योंकि सिंपल वायर पे कोई रेसिस्टर रहेगा ही नहीं, जो हम लोग ये डॉटेड लाइन से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, क्वेश्चन देखेंगे कि जिसपे सिंपल वायर पर ही रेसिस्टेंस आ जाएगा, रेसिस्टर आ जाएगा, तो उसको हम उड़ा देंगे, देखेंगे हम लोग, क्योंकि सिंपल वायर पर कभी भी रेसिस्टेंस रहेगा ही नहीं, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा जीरो, और वो इक्विवेलेंट पॉइंट पोटेंशियल है। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले क्वेश्चन करना है, ए बी को लाइन ज्वाइन करना है, उसके बाद डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है, देखना है क्या सिमेट्रिकली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, क्या सिमेट्रिकली बट रहा है, अगर बट रहा है तो बिल्कुल हमारा जो डॉटेड लाइन है वो सिंपल वायर का काम करेगा, एक पार्ट को रहने देंगे एक पार्ट को मिटा देंगे। और उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं, इक्विवेलेंट जो डॉटेड लाइन होता है वो इक्विवेलेंट पॉइंट लाइन होता है, इक्वल पोटेंशियल लाइन होता है, मीन्स इस पॉइंट पे जितने, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका पोटेंशियल सेम होगा, सबका पॉइंट बिल्कुल सेम होगा, वो सिंपल वायर जैसा एक्ट करेगा। अगर भूल चुक बस इस पर कहीं से किसी भी थ्योरी में अगर रेसिस्टेंस आ गया तो रेसिस्टेंस को भी उड़ा दिया जाएगा, इस रेसिस्टेंस का कोई काम नहीं। चलो हम लोग करके देखते हैं, सबसे पहले तो आधे पार्ट को रखना है और आधे पार्ट को मिटा देना है, थ्योरी दो पॉइंट याद रखना, परपेंडिकुलर एक्सिस पर जो रहेगा वो सारे पॉइंट्स इक्वल पोटेंशियल पर रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस पर जो भी रहेगा रेसिस्टर उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा जीरो। अब करना क्या है कि आधे पार्ट को रखना है, आधे पार्ट को मिटा देना है, और ये जो डॉटेड लाइन है उसको क्या मान लेना है, सिंपल वायर, तो हमने आधा रेसिस्टेंस रखा और आधा रेसिस्टेंस मिटा दिया,
तो अब हमारा ये हो गया सिंपल वायर। देखो ये हो गया हमारा सिंपल वायर, ये भी क्या हो गया सिंपल वायर, लेकिन अब इसका रेसिस्टेंस आर बाई टू हो जाएगा, आर बाई टू होगा क्योंकि सिमेट्रिकली बट रहा है ना भाई साहब। दो रेसिस्टेंस दो सिमेट्रिकली है, एक रेसिस्टेंस को दो बराबर भागों में बांटोगे तो आधा आधा हो जाएगा ना, बीच वाला तो कट रहा था ना, तो ये वाला आर बाई टू हो गया, नीचे वाला भी क्या हो गया आर बाई टू, बाद बाकी हमें दिख रहा है। और हमें नहीं लग रहा है कि अभी इसको सिंपल तरीके से ही सॉल्व करेंगे, कोई सिमेट्रिसिटी पेमेट्रिसिटी कुछ नहीं यूज होगा, ये हमारा सिंपल हो गया, अब आराम से यूज कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। ऐसे कैसे, ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल और ये दोनों भी पैरेलल, हम वैसे नहीं लगाएंगे, हम इसको मान लेते हैं सी डैस, ए बी के बीच में कहीं पॉइंट आ गया सी डैस, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्या होगा सी डैस, ये वाला पॉइंट भी होगा सी डैस, क्योंकि सिंपल वायर पर है वाली बात। और अब वैसे नहीं लगाएंगे हम, ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, सेम हो जाएगा। कैसे कैसे सर, ऊपर वाला के जैसा ही नीचे वाला है, ऐसा का बोल रहे पक्का? हाँ ऐसा नहीं करना, ऊपर वाला इतना सॉल्व करना और उसका हाफ कर लेना और बीच वाला को छोड़ मत देना, है ना। बीच वाला ऐसा नहीं कि ऊपर वाला एक बार सॉल्व कर दिए सर उसी का हाफ कर दे, बीच वाला तो दोनों में कॉमन है ना भाई साहब, है ना। तो बच्चा क्या क्या करता है, ऊपर वाला सॉल्व करता है बस उसका हाफ कर देता है, आंसर सर बीच वाला तो तुम देखा ही नहीं, ये तो दोनों में कॉमन था, अब तुम दोनों में ऐसे ऐसे दो और रेसिस्टर एक और रेसिस्टर लगाता तब तो दोनों में बनता, इसलिए इस बात का आप ख्याल रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लीजिए, बस ऊपर वाला ये सारा चीज़ जोड़िएगा, इसका ट्वाइस कर दीजिएगा तो नीचे वाला सारा गायब हो जाएगा, लेकिन बीच में आर तो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो हम लोग सॉल्व करें, आर बाई टू और आर हमारा पैरेलल में है, देखेंगे आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा, तो आर बाई टू इंटू आर अपॉन आर बाई टू प्लस आर, तो थ्री आर बाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, कितना आर से आर काट दो तो कितना होगा आर बाई थ्री। देखो थोड़ा खतरनाक कैलकुलेशन, लेकिन इतना समझदार तो हो, मैथ्स और बायोलॉजी दोनों कर लोगे, नहीं कुछ आता है आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा अजीब सा रहेगा, लेकिन आर इक्विवेलेंट इसको क्या मान सकते हैं आर बाई थ्री। अब देखो देखो मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग बनाओगे स्क्रीनशॉट लोगे बनाओगे, मैं मिटा रहा हूँ अपने इसको। अब ये दोनों के बदले हमने क्या एक रेसिस्टर यूज किया आर बाई थ्री था, ये रहा आपका आर बाई थ्री गायब, आर बाई थ्री आर पैरेलल में सीरीज में, तो सीरीज आर बाई थ्री प्लस आर जोड़ोगे कितना जब फोर आर बाई थ्री, फोर आर बाई थ्री हो गया, तो ऊपर वाले के बदले हमारा आ गया ये रेसिस्टेंस रहेगा, ऊपर वाले के बदले आ गया हमारा 4R आर बाई थ्री, सर नीचे वाले की कहानी भी वही होगी, कितना 4R आर बाई फोर आर थ्री और बीच में क्या रहेगा R, और 4R आर बाई थ्री, 4R आर बाई थ्री पैरेलल में है इसको, तो हाफ कर देंगे काम बन जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 4R आर बाई थ्री का हाफ करो कितना हो गया, इन दोनों के बदले कितना हो जाएगा वही होगा, इन दोनों के बदले कोई एक, और आपको ही पता है कितना हो जाएगा टू, बोलो जल्दी से टू आर बाई थ्री, और नीचे क्या है हमारा आर, नीचे क्या है आर, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट सी डैश है, अब जोड़ दो आर वन इंटू आर टू, तो टू आर बाई थ्री, टू आर बाई थ्री इंटू आर प्लस आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू, तो इसको जोड़ोगे तो थ्री और टू फाइव, फाइव आर बाई थ्री होगा, ए थ्री से थ्री कैंसिल, आर से आर कैंसिल, कितना आया टू आर बाई फाइव, आधे का आया टू आर बाई फाइव, आधे का कितना है तो आधे का आया मेरा टू आर बाई फाइव, आधे का आया आधा पार्ट तो बाकी है ना, दोनों मैंने कहा क्या कहा था आधे का निकालो ट्वाइस कर दो क्योंकि सीरीज में है, तो फाइनली अगर आपको आर इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा तो टू आर बाई फाइव का ट्वाइस करोगे कितना आएगा फोर आर बाई फाइव, दोनों एक्सिस थ्योरम से सेम आया आंसर, डिफरेंट नहीं आएगा। तो मैं बस यही सजेस्ट करूंगा, पैरेलल लगे तो परपेंडिकुलर नहीं लगाना है भाई साहब, परपेंडिकुलर लगे तो पैरेलल नहीं लगाना है, कोई एक एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना है, और सिमेट्रिसिटी अभी बताया ना, सिमेट्रिसिटी बहुत सारा थ्योरी है, सिमेट्रिसिटी रिगार्डिंग बहुत सारा थ्योरी लगाने जाओगे कुछ भी हासिल नहीं होगा। नील बेटा सनाट, चलो वीडियो पॉज करो फटाक से लिखो। अब इस वीडियो को देखो, इसमें हम लोग दोनों कोई भी एक्सेस यूज करो आसानी से क्वेश्चंस बनेगा, अगर फोल्डिंग तुम्हें सबसे इजी यही होगा कि फोल्डिंग सिमेट्री यूज कर लो, क्या यूज कर लो फोल्डिंग, नीचे वाले को फोल्ड करके ऊपर डाल दो आराम से, और ये वाला जंक्शन क्या बन जाएगा फॉल्स जंक्शन, आराम से निपटा सकते हो, तो सबसे आसान तरीका ये। दूसरा तरीका, नहीं सर हमको पैरेलल एक्सेस थ्योरम से नहीं बनाना है तो परपेंडिकुलर से बना लो, ये क्वेश्चन आपके लिए है, है ना, फिर किससे बना लो परपेंडिकुलर से बना लो, सर परपेंडिकुलर से कैसे बनाएंगे, तो आपको भी दिख रहा है मैं ब्लू
मार्कर से वो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको सिंपल वायर मान लेना है। सिंपल वायर इसको मान लेना है और फटाक से निकाल के इसका ट्वाइस कर देना है, कहानी खत्म। ये आपके लिए क्वेश्चन है ना, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर कर ही देता, रुक जाओ पहले। R/2 पैरेलल 2R 2R 3R 3R/2 अच्छा, इसका सॉल्व कर 3R भाई देखो तो सॉल्व करके क्या आ रहा है सबका, एक बार देख लेना हूँ। R/2 पैरेलल में R/2 और तुम्हारा है R 6R/3R भाई इसका आंसर होगा 6R/7। बनाना दोनों से, 6R/7 इसका आंसर होगा। दोनों से बना के देखना है ना, दोनों तरीके से बनाना, पैरेलल से भी और परपेंडिकुलर से। आंसर 6R/7 होगा, बिल्कुल वही आंसर होगा। तो बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन जिसमें दोनों यूज होता है, पैरेलल भी यूज होता है और परपेंडिकुलर। कोई एक सिमेट्री लगा के क्वेश्चन बनाने चलोगे तो मुश्किल है। तो हम लोग पैरेलल या कह लो इक्विवेलेंट पॉइंट भी यूज करते हैं और परपेंडिकुलर भी यूज करते हैं। दिखाते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, पहले इसको बना लेना। तो चलो, इस क्वेश्चन को आपको बनाना था। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि दोनों क्वेश्चन बनाएंगे, वीडियो पॉज करेंगे, आप खुद से बनाएंगे, नहीं बनेगा फिर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, इसको दो तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला कि हम लोग इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री नहीं लगा सकते। ध्यान से देखो, बच्चा ये सोचता है पॉइंट ए यहाँ पर है, पॉइंट बी यहाँ पर। अब ए दोनों लाइन को मिलाने वाले एक्सिस को ही हम लोग दोनों पॉइंट को मिलाने वाले को एक्सिस बोलते हैं। अगर भूल चुक हो, अगर तुम्हें लगता है कि ये परपेंडिकुलर है तो नहीं, ये ए बी के पैरेलल है, इसके परपेंडिकुलर से थोड़ी मतलब है हमको, हमको ए और बी से मतलब है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर नहीं लगेगा, पैरेलल लगेगा। क्या लगेगा? पैरेलल। तो अभी इसी बात है, पैरेलल है। अगर ये लाइन के क्रॉस अगर हम लाइन खींचते हैं और फोल्ड करते हैं तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। अब ध्यान से ये देखना है कि बीच में अगर ये रेसिस्टेंस है तो बीच में रेसिस्टेंस अगर फोल्ड होता है, क्या होता है? फोल्ड। ध्यान से देखो, अगर एक ही रेसिस्टेंस है, ये बीच का वायर है, बीच में रेसिस्टेंस है, ये पॉइंट अगर इसके ऊपर जाता है, ये पॉइंट इसके ऊपर जाता है, तो ये मत सोच लेना कि सर हाँ R/2 पैरेलल में हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं। इधर अगर दो पॉइंट, दो रेसिस्टेंस है, दो एक रेसिस्टेंस है जो दो डिफरेंट पॉइंट से मिलकर बना पर जुड़ा हुआ है, अगर दोनों पॉइंट एक ही हो जाए तो फिर इधर से करंट पास करेगा ही नहीं, मतलब इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो। तो जैसे ही फोल्ड करेंगे, ये इस पर, ये इस पर, तो जैसे ही फोल्ड करेंगे तो ध्यान से देखो कौन रेसिस्टर किसके ऊपर चढ़ जाएगा। ये वाला रेसिस्टर इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ये वाला रेसिस्टर इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ये वाला रेसिस्टर इसके ऊपर चढ़ जाएगा, और बेचारा ये दोनों आपस में कर रहा है कोलैबोरेशन। इसके वजह से, आपस में कोलैब होने की वजह से, आपस में ही ओवरलैप होने की वजह से ये दोनों हट जाएगा। अब ये दोनों हट जाएगा क्यों? अभी अभी समझाया है कि दो, अगर एक रेसिस्टेंस है इसका दो पॉइंट है, डिफरेंट दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, और अगर हम लोग उन दोनों